एससी एसटी श्रेणी में क्रीमी लेयर को आरक्षण देने के विरोध में भारत बंद के तहत आज सुबह से ही टोंक के बाजार बंद रहे। वहीं जिले में सरकारी और निजी विद्यालयों के साथ कॉलेज, कोचिंग संस्थान, लाइब्रेरीज सब पर छुट्टी के आदेश दिए गए। वहीं बंद को देखते हुए जिले भर में शराब की दुकानों में भी आज ताले लगे हुए थे। ऐसी भारत बंद को देखते हुए आज टोंक के अंदर जो है राजस्थान रोडवेज की बसों का संचालन बंद है। आप देख सकते हैं कि किस तरह जो है यहाँ बसों की जो लाइन लगी हुई है और रोडवेज बस स्टैंड पर जो है इस समय सन्नाटा पसरा हुआ है। लेकिन खाली वक्त का कैसे उपयोग किया जाए इसका एक तरीका निकाला है राजस्थान रोडवेज के अधिकारियों ने और कर्मचारियों ने। आप देख सकते हैं कि ये जो जगह है यहाँ पर जो है पौधारोपण कर रहे हैं और ये अपने आप में एक संदेश भी है कि वक्त अगर खाली है, आपके पास समय है तो आप अच्छा काम कर सकते हैं। और ये एक अच्छी पहल है जहाँ तक हमारे समझ में आता है कि इस चीज को जो है इन्होंने यूटिलाइज किया है कि जो है आज राजस्थान रोडवेज की जब बसें बंद हैं तो उस सूरत में ये जो कर्मचारी और अधिकारी हैं पौधारोपण कर रहे हैं। आज रोडवेज की बसें बंद है, कब तक बंद रहेगी, क्या कर रहे हैं आप? अभी तक जब तक आगे का इंस्ट्रक्शन नहीं मिल जाते तब तक गाड़ियां बंद रहेगी और देखते हैं 2 बजे बाद यदि कहीं रास्ते में कोई ऐसा अनहोनी नहीं घटी तो इसको ध्यान में रखते हुए गाड़ियों संचालन कर सकते हैं। अभी फिलहाल बंद है। 35-40 पौधे लगा दिए। 35-40 पौधे लगा लिए जी। आइडिया कैसे आया कि आज रोडवेज बसें बंद है? तो खड़े थे पाल तो मैंने कहा ये काम कर लो अपना। ये टोंक डिपो का स्टाफ है और इनकी ये खासियत है कि समय का बेस्ट यूटिलाइजेशन करना जानते हैं। जब इनको पता चला कि आज हम जनता को अपनी सेवाएं नहीं दे सकते तो क्यों नहीं प्रकृति का सहयोग किया जाए, पौधारोपण किया जाए। वो भारत बंद के दौरान जो है एक और रोडवेज के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो पौधारोपण कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जो है ये लोग जो है कुछ लोग यहाँ इंतजार कर रहे हैं, अपनी बसों का इंतजार कर, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, यहाँ पहुंचे हैं। कहाँ से आए हम? से अब कहाँ जा रहे हैं? सिक्कर। बसें नहीं मिली? बसें नहीं मिली। बस नहीं मिली परेशानी। आप कहाँ जा रहे हैं? हम भी सिक्कर जा रहे हैं। सिक्कर जा रहे हैं? पहले पता नहीं था आपको? यहाँ का पता चला। अब क्या कहा गया है आपको? कुछ नहीं कहा गया भाई, बाहर जाको प्राइवेट बसें हैं उनपे ले लो। प्राइवेट बसें भी नहीं मिल रही? मिल रही है बाहर। अब यहाँ भी एक यात्री हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या कहाँ से आए भैया? दिल्ली जाना है आपको? तो आपको नहीं पता था कि आज जो है कि बसें बंद है? जी पता नहीं था, ऐसे रात को आए थे, उन्होंने कहा था सुबह ओपन रहेगी, बसें चालू रहेगी। रात को आए थे, बहुत भीड़ थी तो जगह नहीं मिली जाने के लिए, फिर सुबह वापस आए। रात से ही आप इंतजार कर रहे हैं? हाँ जी। ऐसे कई यात्री हैं जो या तो यहाँ आकर जो है लौट चुके हैं या फिर जो है अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि आखिर बसें शुरू हो जाए और उसके बाद में जो है ये अपने गंतव्य तक पहुंच सके। कैमरामैन रोहित के साथ रविश टेलर, NDTV टोंक।